हाय, आइसोमेरिज्म के मैंने प्रीवियस एपिसोड्स में भी ये एलाबोरेट किया है कि आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर कंसेप्ट है और कोर कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है क्योंकि वो बहुत सारे और डिफरेंट कंसेप्ट्स के साथ मिक्स होकर के उसके क्वेश्चंस बन सकते हैं। और यूजुअली आईआईटी और नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस इस कंसेप्ट से नहीं आते। मैं राजीव शर्मा फ्रॉम myetutors आइसोमेरिज्म सीरीज के इस फोर्थ एपिसोड में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड दो सब टॉपिक्स टॉटोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म की नॉलेज और कंसेप्ट्स इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं। और हाँ, चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मैंने वहां लिंक शेयर किए हैं रिवीजन के लिए नोट्स, प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट्स, मॉक टेस्ट और एमसीक्यू टेस्ट के। हेलो गाइस, मैं रोनी। सर, क्या मैं केमिस्ट्री इंप्रूव करने के लिए आपकी क्लास ज्वाइन कर सकता हूँ? यस रोनी, यू कैन ज्वाइन द क्लास। तो हम देखते हैं कि अभी तक हमने आइसोमेरिज्म में क्या कुछ किया है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम कर रहे हैं, जिसे हम चेन आइसोमेरिज्म कर चुके हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म हम कर चुके हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म हम कर चुके हैं और मेटामेरिज्म हम कर चुके हैं। और इस वीडियो की कंप्लीशन होते ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एसोसिएटेड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म टोटली कंप्लीट कर लेंगे। क्या लगता है आपको कि इस आइसोमेरिज्म को टॉटोमेरिज्म क्यों कहा जाता है? तो यहां यदि हम इस वर्ड को स्प्लिट करें तो टॉटो और आइसोमेरिज्म हो जाएगा। आइसोमेरिज्म का मतलब तो सेम होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज वेरी कर सकती हैं, पर यहां टॉटो का मतलब है सेम, मींस जो दो आइसोमर्स क्रिएट होंगे वो सेम कंडीशन में सेम सॉल्यूशन में कोएग्जिस्ट करेंगे, इसीलिए इसको हम टॉटोमेरिज्म कहते हैं। तो टॉटोमेरिज्म की डेफिनेशन देख लेते हैं। अब टॉटोमेरिज्म जो हो जाएगा कि टॉटोमेरिज्म को यदि हम एक्सप्लेन करें तो इसमें क्या हो जाएगा, दो या दो से ज्यादा आइसोमर्स बन सकते हैं और वो जितने भी कंपाउंड्स बनेंगे वो क्या होगा कि को एग्जिस्ट करेंगे और उसमें इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। यहां बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि इक्विलिब्रियम एग्जिबिट करेगा, कि दोनों आइसोमेरिज्म जो है इक्विलिब्रियम में एग्जिबिट करेंगे और यदि हम एक भी आइसोमर में को कम करने की कोशिश करें अंडर अ गिवन टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस तो वो नहीं होगा। तो जिस तरह से स्टेबिलिटी है उसी तरह से उसकी परसेंटेजेस होंगी इन द मिक्सचर और इंटरकन्वर्टेबल हैं। और उसके साथ जो है इंटरकन्वर्जन जो होगी उसका मेन रीजन हो जाएगा कि वहां पे प्रोटॉन या हाइड्रोजन की शिफ्ट होगी। तो प्रोटॉन या हाइड्रोजन शिफ्ट होना है इसमें यूजुअली, और उसके कारण ही जो आइसोमेरिज्म क्रिएट होगा उसे हम टॉटोमेरिज्म कहेंगे। तो अब इसके और कुछ कंडीशंस देख लेते हैं। तो अब टॉटोमेरिज्म की कंडीशन देखें तो सबसे पहले जो है वो फर्स्ट है कि इसमें प्रोटॉन ऑसिलेट करता है, मींस प्रोटॉन जो हो जाएगा अपनी पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन पे शिफ्ट होगा। अब जहां प्रोटॉन लगा है उसको यदि मैं फर्स्ट एटम बोल रहा हूं तो जब वो फर्स्ट एटम से सेकेंड एटम उसके एडजॉइनिंग एटम पे शिफ्ट कर रहा है तो उसको यूजुअली हम कहते हैं डायड सिस्टम कहते हैं। तो वो डायड सिस्टम हो जाएगा। वैसे ही जब जिस पोजीशन पे प्रोटॉन लगा है जब उससे थर्ड पोजीशन पे शिफ्ट करेगा तो उसको ट्रायड सिस्टम कह देंगे। और हम इसमें वीडियो में आगे ट्रायड सिस्टम्स डिस्कस करेंगे जो बहुत कॉमन है। उसके अलावा टेट्राड सिस्टम भी हो सकता है जब वो फोर्थ पोजीशन पे शिफ्ट करेगा, पेंटार्ड सिस्टम भी हो सकता है जब वो फिफ्थ पोजीशन पे शिफ्ट करेगा। फर्स्ट ये कंडीशन हो जाएगी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स पॉसिबल होते हैं ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ प्रोटॉन। सेकेंड जो है ये स्ट्रक्चर जो है इंटरकन्वर्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं। अब इंटरकन्वर्टेबल स्ट्रक्चर्स जो है ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर कंडीशंस पे होंगे, मतलब ऑर्डिनरी क्योंकि इक्विलिब्रियम एग्जिबिट कर रहा है तो ये क्या होगा कि टेम्परेचर प्रेशर और कंसेंट्रेशन से वेरी करेगा। तो इसीलिए जो ऑर्डिनरी कंडीशंस है, जो टेम्परेचर प्रेशर और कंसेंट्रेशन की कंडीशंस ऑर्डिनरी स्टेट में है या नॉर्मल सॉल्यूशन जब हमने क्रिएट किया है या प्रेजेंट है तो उस स्टेट में जो होगा वो उसमें इंटरकन्वर्जन हो रही है। इस इंटरकन्वर्जन करने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा कंडीशंस या विग्रस कंडीशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि हमने टॉटोमेरिज्म देखना है। तो थर्ड होगा कि टॉटोमेरिज्म जो है ये एसिड कैटलाइज्ड या बेस कैटलाइज्ड हो सकता है, कि हम स्पेसिफिक टॉटोमर क्रिएट करना है तो हम उसको यदि एसिड या एसिडिक कंडीशन क्रिएट करेंगे या बेसिक कंडीशन क्रिएट करेंगे तो उससे हम एक स्पेसिफिक टाइप का टॉटोमेरिज्म की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। फोर्थ जो हो जाएगा
दैट इज उसमें इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम है। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये हो जाएगा कि फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन में हमेशा इक्विलिब्रियम रहेगा। और ये जिस तरह से यदि जैसे अभी मैंने बताया कि एसिड कैटलाइजर है, यदि हम किसी सोल्यूशन में एसिड डाल रहे हैं और उसमें हम एक टॉटोमर को दूसरे टॉटोमर में ज्यादा कंसेंट्रेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो डायनामिक स्टेट है इसलिए क्या होगा कि उसमें इंटर कन्वर्जन या इक्विलिब्रियम हमेशा न्यू इक्विलिब्रियम एग्जिबिट होता चला जाएगा, तो इसीलिए वो डायनामिक स्टेट हो जाएगी। और लास्ट हो जाएगा कि उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, जो टॉटोमर्स क्रिएट होंगे तो वो हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते। जैसे अभी हम एग्जाम्पल देख रहे हैं कि कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होगा, तो यदि कीटोन है तो उसमें इनॉल अपने आप क्रिएट होगा। अब हम उसमें से कीटोन में से इनॉल को एक्सट्रैक्ट आउट नहीं कर सकते। यदि हम किसी भी मेथड से उसे सेपरेट आउट कर लेंगे तो उसके बाद भी वो क्या होगा कि इंटर कन्वर्जन इस तरह से होगी कि वो फिर से वापस से दूसरा टॉटोमर क्रिएट कर लेंगे। नेक्स्ट आगे देखें तो अब ये एक सिस्टम हम देख रहे हैं यहाँ पे जो है बेसिकली एक ट्रायड सिस्टम। जैसे मैंने अभी बताया था कि ट्रायड सिस्टम्स है, तो ट्रायड सिस्टम का फर्स्ट हम देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायड सिस्टम्स हो सकते हैं, तो उसमें हम फर्स्ट ट्रायड सिस्टम देख रहे हैं। अब इस ट्रायड सिस्टम में जो है बेसिकली मैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या है कि जो फर्स्ट कंपाउंड है वो इनॉल फॉर्म है। अब उसे इनॉल फॉर्म हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें एक डबल बॉन्ड एग्जिबिट कर रहा है, जो कंपाउंड है उसमें डबल बॉन्ड एग्जिबिट कर रहा है। तो डबल बॉन्ड होने के कारण क्या है कि हम जब इसकी IUPAC नेमिंग करेंगे तो इसे बोलेंगे इन आएगा, और क्योंकि अल्कोहल ग्रुप है तो उसके साथ उसको ऑल बोलेंगे, तो इन और ऑल, इसलिए वो उसको इनॉल फॉर्म बोलते हैं। अब ये इनॉल फॉर्म क्या हो जाएगा, कीटोन फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि जो प्रोटॉन है अल्कोहल ग्रुप में जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन माइग्रेट कर सकता है, और प्रोटॉन की माइग्रेशन के कारण या ऑसिलेशन के कारण क्या होगा कि कीटोन फॉर्म क्रिएट होगा। तो यदि हम देखें कीटोन फॉर्म कैसे क्रिएट हो रहा है, तो अब इस तरह से क्या होगा कि कीटोन फॉर्म क्रिएट होगा कि हाइड्रोजन जो है थर्ड पोजीशन पे, यदि ऑक्सीजन से काउंट करें तो ये जो पोजीशन हो जाएगी थर्ड पोजीशन हो जाएगी जिसपे शिफ्ट कर रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि इसको हम ट्रायड सिस्टम कह रहे हैं। तो इस तरह से सेकेंड जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो कीटोन फॉर्म बन जाएगा, ब्यूटेन टू ओन हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम बोलेंगे कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, और इस पर डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिबिट करेगा। अब नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है बेसिकली अमाइड इमिडोल सिस्टम है। तो यहाँ ये अमाइड इमिडोल सिस्टम में जो है कार्बन डबल बॉन्ड ओ है, वहां से डबल बॉन्ड शिफ्ट करेगा और नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जो है माइग्रेट करेगा, तो थर्ड पोजिशन पे माइग्रेट कर रहा है तो वो इमिडोल बन रहा है, क्योंकि इमिडोल बोल रहे हैं सी डबल बॉन्ड एन ग्रुप जो है इमीन ग्रुप है और उसके साथ अल्कोहल लगा है, तो इमीन एंड ऑल, तो इमिडोल हो गया वो, तो इसलिए अमाइड इमिडोल सिस्टम है। तो अब इसमें देखेंगे किस तरह से चेंज हो रहा है। तो अमाइड ग्रुप में जो है बेसिकली हाइड्रोजन जो है अमाइड ग्रुप के ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर रहा है, और रिस्पेक्टिवली जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में फॉर्म हो रहा है, इसलिए अमाइड इमिडोल सिस्टम बन रहा है ये। तो अब हम थर्ड सिस्टम देखें तो इट इज इमीन एंड इनामीन सिस्टम। तो इमीन में क्या है, सी डबल बॉन्ड एन ग्रुप जो है इमीन ग्रुप है। अब यहाँ पे जो है कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन आने से वो अमीन ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, तो इसलिए इनामीन ग्रुप बन रहा है। तो ये इस तरह से कन्वर्ट करेगा कि हाइड्रोजन जो है कार्बन से नाइट्रोजन पे शिफ्ट कर रहा है, और उसके जो हाइड्रोजन शिफ्ट कर रहा है वो थर्ड पोजीशन पे शिफ्ट कर रहा है, और उसके रिस्पेक्टिवली क्या हो रहा है डबल बॉन्ड शिफ्ट करके उसको बेसिकली स्टेबलाइज कर रहा है मॉलिक्यूल को, तो इसलिए इनामीन सिस्टम क्रिएट हो रहा है। तो इस तरह से ये तीन डिफरेंट सिस्टम्स हो सकते हैं। तो इन सारे सिस्टम्स में से जो है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब देखते हैं कि टॉटोमेरिज्म होने के लिए मेन कंडीशन क्या इंपॉर्टेंट है। तो अब जैसे ये एसिडिक हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है, अब यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन होने के लिए मिथिलीन ग्रुप का होना बहुत जरूरी है, और मिथिलीन ग्रुप में एसिडिक हाइड्रोजन तब क्रिएट होगा व्हेन इट इज बॉन्डेड टू एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब जैसे यहाँ पे जो ये कार्बन एटम है, ये वाला जो कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम जो है बेसिकली यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ अटैच्ड है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ अटैच्ड है। तो अब ये दोनों तरफ से जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ अटैच्ड है तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। अब क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रही है, इसी के लिए क्या होगा, इसमें रीअरेंजमेंट होगी या प्रोटॉन माइग्रेट करेगा। अब प्रोटॉन की ऑसिलेशन या माइग्रेशन होगी, अब प्रोटॉन की ऑसिलेशन माइग्रेशन के कारण क्या होगा कि यहाँ पे
बेसिकली ग्रुप क्रिएट होगा। तो अब हम देखें किस तरह से ग्रुप क्रिएट हो रहा है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये इथाइल एसिटो एसिटेट, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ से ये जो कीटोन ग्रुप है इसका डबल बॉन्ड शिफ्ट कर रहा है, बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन रहा है और हाइड्रोजन शिफ्ट करके अल्कोहल बन रहा है। तो हाइड्रोजन शिफ्ट होने से बेसिकली इनॉल फॉर्म क्रिएट होगा। तो हम इसकी कंडीशंस देख लेते हैं कि किस तरह से कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होगा। तो इसके लिए जो है कि अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। जिन कंपाउंड्स पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके साथ अल्फा हाइड्रोजन यदि नहीं है तो वहां पे कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म नहीं हो सकता। सेकेंड है, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स में भी कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म नहीं शो करेंगे एक्सेप्ट अमाइड, और वो अभी मैंने डिस्कस कर दिया कि अमाइड इमिडोल सिस्टम क्रिएट होगा, उसके अलावा बाकियों में बाकी ऐसे डेरिवेटिव्स में नहीं हो सकता। तो ये दो टॉटोमेरिज्म के वो मेन क्राइटेरियाज हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखें तो अब हम स्टेबिलिटी की कंपैरिजन देख लेते हैं कि किस तरह से कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा कीटो इनॉल में। तो यहाँ पे सिंपल एल्डिहाइड या कीटोन्स हैं तो उसमें हमेशा कीटोन फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। उसका रीजन ये है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए उसमें इजीली पाई बॉन्ड शिफ्ट नहीं करेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कीटोन फॉर्म या एल्डिहाइड फॉर्म जो हो जाएगा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। पर जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होंगे जिसमें 1,3 डाई कीटो है या इस तरह का कोई स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा था इथाइल एसिटो एसिटेट का, तो उसमें 1 और 3 पोजिशन पे दोनों पे डबल बॉन्ड ओ था, तो उसमें शिफ्टिंग के चांसेस ज्यादा। जब इस तरह से 1,3 डायकीटो स्ट्रक्चर होंगे तो उसमें इनॉल फॉर्म जो हो जाएगा हमेशा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये एक शॉर्टकट है याद रखने के लिए कि कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, कि कीटोन फॉर्म ज्यादा स्टेबल है या इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। अब जैसे यहाँ पे कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म मैंने इथाइल एसिटो एसिटेट शो किया है, तो इसमें जो होगा इनॉल फॉर्म जो हो जाएगा ज्यादा स्टेबल होगा, पर कीटोन फॉर्म उतना स्टेबल नहीं होगा इसमें। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब रिंग चेन आइसोमेरिज्म जो है उसमें कंपाउंड एग्जिस्ट करना चाहिए रिंग और चेन फॉर्म में, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, उसके फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज वेरी कर सकती हैं, तभी वो रिंग चेन आइसोमेरिज्म हो जाए। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है C5H10O है। अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ जो है पेंटेनल और टेट्राहाइड्रोफिनान दो स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो टेट्राहाइड्रोफिनान और ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं इसलिए ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म हो सकता है। तो जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि टॉटोमेरिज्म में क्या इंपॉर्टेंट है। टॉटोमेरिज्म में हमें हमारे को अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। सेकेंड है कि यदि कीटोन सिंपल एल्डिहाइड और कीटोन्स होंगे तो उसमें कीटोन फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, और यदि 1,3 डाई कीटो स्ट्रक्चर्स हैं या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड वो क्रिएट हो रहे हैं तो उसमें इनॉल फॉर्म हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा। रिंग चेन आइसोमेरिज्म में रिंग और चेन स्ट्रक्चर एक साथ एग्जिस्ट करेंगे एक ही फॉर्मूला के साथ, तो वो रिंग चेन आइसोमेरिज्म होगा। क्या आप मेरे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं? यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते हुए ध्यान रखें कि आपने बेल आइकन भी प्रेस करना है और नोटिफिकेशंस में ऑल नोटिफिकेशंस को टिक करना है। यदि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, या आपका कोई फ्रेंड है, या आपके आसपास कोई ऐसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे हैं जो बेसिकली केमिस्ट्री की ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके साथ मेरा ये चैनल शेयर करें। आपने इस वीडियो में कुछ आज नया सीखा ना, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आपको क्या नई चीज इसमें सीखने को मिले। आप मुझे इन डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म से भी फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।